बरेली जनपद से जहां मीरगंज विधानसभा सीट पर इस बार भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर डीसी वर्मा ने सपा प्रत्याशी सुल्तान बेग को बड़े अंतर से हरा दिया। डीसी वर्मा को 32,576 वोटों से जीत मिली है। आपको बता दें कि सुबह से ही सीट पर भाजपा और सपा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। पहले राउंड से ही भाजपा आगे चल रही थी। भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। होली से पहले ही कार्यकर्ता रंगों में रंगे नजर आए। वहीं हार के बाद सपा प्रत्याशी सुल्तान बेगू मायूस होकर जाते दिखे। सपा ने मीरगंज विधानसभा सीट से सुल्तान बेग को उम्मीदवार बनाया था। आपको बता दें कि सुल्तान बेग को 83,615 वोट मिले। 35वें नंबर पर रहे बहुजन से कुमार भानु प्रताप सिंह को 19,127 वोट मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को यूपी की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज करने का इतिहास बना दिया है। 37 साल पहले कांग्रेस ने बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में भाजपा के ऐसे पहले नेता हो गए हैं जो लगातार दूसरी बार सीएम बनेंगे। मीरगंज बरेली से रजनीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज की जीत को लगभग जीत आपकी सुनिश्चित है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता के बगैर आशीर्वाद को तो कुछ हो नहीं सकता। और आज पूरे उत्तर प्रदेश की आप देख रहे होंगे जिस तरीके से कानून के रुझान आ रहे हैं, मुझे संदेश मिला है। माननीय योगी जी के और माननीय मोदी जी के नेतृत्व हमारी पार्टी पर पूरा भरोसा जनता ने जताया है और आज जनता पूरी तरीके से साथ है, चुनाव में साथ दिया। और इसीलिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री या संसदीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और हम